अस्सलाम वालेकुम। और टुडेस टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चैप्टर में हम जान चुके हैं कि हम किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ आर रिएक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ आर रिएक्शन बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होगी, तो हम बता सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है और किस हद तक वो रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। यानी कि वो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रहा है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, और किस हद तक वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो वैल्यूज, क्यू सी की वैल्यू और के सी की वैल्यू। क्यू सी इज रिएक्शन क्वेश्चन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें अगर मालूम होगी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। केसी जो आपको मैंने बता दिया कि वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यूसी है रिएक्शन क्वेश्चेंट। रिएक्शन क्वेश्चेंट इज द क्वांटिटी दैट टेल्स अस अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। यानी कि क्यूसी वो क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि किसी भी खास मोमेंट के ऊपर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की उस मिक्सचर के अंदर कितनी कितनी अमाउंट मौजूद है। वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ आर रिएक्शन बाय कंपेयरिंग क्यू सी एंड के सी वैल्यूज। हम लोग जो है वो क्यू सी और के सी की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हुए ये जान सकते हैं कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। द फर्स्ट वन इज द क्यू सी वैल्यू इज स्मॉलर देन के सी वैल्यू। अगर हमारी क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से छोटी होगी तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। इस सूरत में हमारा जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा एंड द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हमारी क्यू सी की वैल्यू के सी से छोटी होगी तो हमारा जो रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी इस रिएक्शन के दौरान क्या है, लार्जर के सी वैल्यू प्रिडिक्ट्स दैट वी हैव ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। यानी कि हमारे पास इस पोजीशन पर इस वक्त प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, के सी की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब कि हमारे पास इस वक्त रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है और जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उसके अलावा हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन है फॉरवर्ड। और अगर हमारे क्यू सी की वैल्यूज जो लार्जर है के सी से, तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है, हमारा डायरेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं और उसके अलावा हमारा जो रिएक्शन है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है हमें इस पोजिशन में हमारे पास देयर इज ऑल रिएक्टेंट, मतलब हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट्स आर लार्जर देन और प्रोडक्ट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज इट इज रिवर्स, इट इज प्रोसीडिंग इन रिवर्स डायरेक्शन एंड इट प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड द थर्ड कंडीशन इज इफ क्यू सी एंड के सी वैल्यूज आर इक्वल, इट मीन्स इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड एंड द रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट इक्वल रेट्स। अगर हमारे पास क्यू सी और के सी की वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है वो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की तरफ जो है वो इक्वल रेट्स पर जा रहा है और इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुका है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन विच गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमारे पास यहाँ पे के सी की वैल्यू आती है 57 एट 700 केल्विन।
अब अगर हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को जो है वो किसी भी खास टाइम पर जो है कंसीडर करते हैं, या कुछ भी हम सपोज करते हैं, सपोज हमने कंसीडर किया हमारे पास हाइड्रोजन विच इज़ अ रिएक्टेंट, उसकी जो है हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड आयोडीन इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमने सपोज किए हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, अभी टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसको किसी भी खास टाइम पे जो है इसकी वैल्यूज़ को हमने कंसीडर किया है। तो इस टाइम पे जो हम लोग जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके, जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू हमारे पास कहलाती है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि जिसे हम लोग केस क्यू सी की वैल्यू कहते हैं। सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यूज इन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन क्यू सी रिएक्शन कोएफिशिएंट। द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, आपको मालूम है ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास तब आता है जब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है और रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में इक्वल रेट्स पर प्रोसीड हो रहा होता है। लेकिन हमने जो है वो बीच में रिएक्शन के दौरान किसी भी टाइम को कंसिडर किया है, वहाँ से हमने जो है अपनी वैल्यूज निकाली हैं। तो हमारे पास ऊपर जो है वो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, नीचे रिएक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हमारे पास वैल्यू आई है 8.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, विच इज स्मॉलर देन 57, यानी कि ये हमारे पास के सी की वैल्यू थी 57, हमारे पास क्यू सी की वैल्यू आई है 8, तो क्यू सी की वैल्यू यहाँ पे के सी से छोटी है, तो इसका मतलब है हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमें मज़ीद रिएक्टेंट चाहिए ताकि हमें जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। ये हमने जान लिया कि हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा फायदा है कि हम इसे हम जान सकते हैं कि हमारे रिएक्शन की किस हद तक किस एक्सटेंट तक जो है वो प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम लोग केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन जो है वो किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, द फर्स्ट वन इज लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ केसी, एंड द थर्ड वन इज द वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है वो केसी की वैल्यू बड़ी है तो इसका क्या मतलब है। अगर इफ़ यू हैव द लार्जर वैल्यू ऑफ केसी, इट मीन्स इन इन दिस रिएक्शन देयर इज ऑल प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल विच इज एंड द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि हमारे पास इस वक्त जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स के अमाउंट बहुत कम है, और जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी हमारे पास कंडीशन है स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट देर इज ऑल रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर नेग्लिजिबल एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कम्प्लीशन, यानी कि हमारे पास इस वक्त तमाम जो है वो रिएक्टेंट मौजूद है, हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है, और इस तरह से रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाते। थर्ड कंडीशन इज इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी कि हमारे पास केसी की वैल्यू ना तो बड़ी है ना ही छोटी है, इसका मतलब है इन दिस रिएक्शन वी हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेम है। हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यानी कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी जिसका मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजिशन के ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ केसी तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर तमाम रिएक्टेंट मौजूद हैं, और अगर हमारे पास केसी की वैल्यू ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी, इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तादाद बिल्कुल सेम है। दिस इज़ फॉर इट टुडे, गुड लक।